सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस लेटर पेटिशन केस था और अडॉप्शन के मामले से संबंधित था। 1980 के दशक में जब ऐसा शुरू हुआ कि विदेशी लोग भारत से बच्चों को अडॉप्ट करके विदेशों में ले जाने लगे, उस पर अखबार में एक खबर छपी जिसमें ये कहा गया कि जो भारत से बच्चों को अडॉप्शन के बाद विदेशों में ले जाया जा रहा है, उन बच्चों के सेक्सुअली अब्यूज होने या एज ए चाइल्ड लेबर उनको यूज करने और उनका एक्सप्लोइटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उसके संबंध में भारत में कोई कानून भी नहीं बनाया गया था। इसी को देखते हुए, इसी रिपोर्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लक्ष्मीकांत पांडे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा। उसी लेटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लेटर पिटीशन मानते हुए इस केस को सुना, और इसमें लक्ष्मीकांत पांडे को भी सुना गया और जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी, इंटरनेशनल एजेंसीज थी जो चाइल्ड वेलफेयर से संबंधित और एनजीओज थी, उन सब का पक्ष सुना गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि बच्चा टेंडर एज का जब होता है, छोटी एज का होता है, उसका हित ही सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और उसके हित में डिसीजन लिया जाएगा। बच्चे जो होते हैं उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उनका विकास सही तरह से हो सके, उनका एक्सप्लोइटेशन न हो, उनका अब्यूज न हो, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बच्चों के अडॉप्शन से संबंधित जो है गाइडलाइन इशू की। गाइडलाइंस में मेन जो पॉइंट्स थे इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे कि जब कोई विदेशी बच्चों को अडॉप्ट करके ले जाता है तो उसका मिसयूज या एक्सप्लोइटेशन ना कर सके। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई व्यक्ति जो विदेश से आता है, भारत से किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, तो उसे साथ में एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो उस देश से, जिस देश का वो निवासी है, वहाँ की सरकारी एजेंसी या लाइसेंसशुदा एजेंसी से एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये एक जेन्युइन व्यक्ति है और इसको बच्चे की अडॉप्शन के हिसाब से ज़रूरत है। इसके अलावा बच्चों को जब जिन मामलों में विदेशों में अडॉप्शन का इशू था, उसमें बच्चों को 3 साल की उम्र से कम जब तक वो हैं तब तक अडॉप्शन करवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब बच्चे समझने लग जाते हैं उसके बाद नए सिचुएशन में एक्लेमेटाइज होने में उन्हें दिक्कत आती है। इसी हिसाब से ये भी कहा गया कि बच्चों के जो माँ बाप हैं, अगर वो किसी विदेशी को अडॉप्शन के लिए बच्चे देते हैं, तो उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि जो माँ बाप हैं उनको सही तरह से पहले इस प्रोसीजर के पॉजिटिव नेगेटिव साइड बताई जाएं कि बच्चा आपके पास नहीं रहेगा और आप बच्चे को जब अडॉप्शन में किसी को देते हैं तो ये उसी का हो जाएगा और आप उनसे हो सकता है मिल भी ना पाए जिंदगी भर जब वो विदेश चला जाएगा, और इसी तरह की कुछ और जो फॉर्मेलिटीज थी कि इसमें जब बच्चे का अडॉप्शन होता है तो उस ड्यूरेशन में एजेंसी के पास, जो सरकारी एजेंसी या जो लाइसेंसशुदा एजेंसी है उसके पास बच्चे को रखना होता है, उस ड्यूरेशन को भी मिनिमाइज किया जाए और एक्सपेडाइट करते हुए प्रोसीजर को कम से कम समय में इसको कंप्लीट किया जाए। इस केस के महत्वपूर्ण बिंदु यही थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के वेलफेयर के लिए, जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं विदेशियों के द्वारा, उनके हित को सर्वोपरि समझते हुए इस से संबंधित जो लेटर था उसको लेटर पेटिशन मानते हुए गाइडलाइंस इश्यू की, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट होते हैं वो पूरी देश पर बाइंडिंग होते हैं और जब तक कोई कानून उस संबंध में ना बना हो तब तक वो कानून के रूप में कार्य करते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मीकांत पांडे का जो जजमेंट है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है बच्चों के अडॉप्शन के संबंध में।